इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गुना सांसद केपी यादव को तलब किया गया है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तलब किया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं सांसद केपी यादव। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को लेकर के एक बयान दिया था, उसी बयान को लेकर के अब सांसद को तलब कर लिया गया है। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय सांसद केपी यादव पहुंचे हैं। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को लेकर के एक बयान दिया गया था और गुना से सांसद हैं केपी यादव, जिनको अब तलब कर लिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सांसद को तलब किया है। अब ऐसे में बीजेपी प्रदेश कार्यालय सांसद केपी यादव पहुंचे हैं। अब मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को लेकर के जो बयान दिया गया था उनके द्वारा, उसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं और जाहिर तौर पर गुना सांसद को लेकर के अब ये जो जिस तरीके से तलब किया गया है और कार्यालय में बुलाया गया है, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सांसद केपी यादव पहुंच भी चुके हैं। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को लेकर के एक बयान दिया था और उसी बयान को लेकर के फिलहाल सांसद को तलब कर लिया गया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तलब किया है और जाहिर तौर पर जो बयान उन्होंने दिया था मंत्री महेंद्र सिंह को लेकर के, अब उसको लेकर के जाहिर तौर पर उनसे पूछा जाएगा कारण क्या थे, क्यों आखिर ऐसा बयान दिया गया। तो गुना से सांसद हैं केपी यादव, जिन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था मंत्री को लेकर के, ये बयान दिया गया था उसी के बाद से सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब ऐसे में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से उनको तलब कर लिया गया है और पार्टी कार्यालय में उनको बुलाया गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनको तलब किया है और बीजेपी प्रदेश कार्यालय सांसद केपी यादव पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गुना से सांसद हैं केपी यादव, जिनको तलब कर लिया गया है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनको तलब किया है। शुभम हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? पार्टी कार्यालय में पहुंच चुके हैं केपी यादव और इस दौरान उनको तलब कर लिया गया है। देखिए, बिल्कुल, गुना से सांसद है केपी यादव और उनको ही बीजेपी कार्यालय में बुलाया गया है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ उनकी मुलाकात चल रही है। अब पूरा की पूरा मामला हम समझ लेते हैं, क्योंकि दर्शकों को भी समझाना बेहद ज़रूरी है कि आखिर क्या हुआ। देखिए, गुना में कार्यक्रम चल रहा था, महेंद्र सिंह सिसोदिया मौजूद थे, मंत्री हैं, प्रभारी हैं गुना के, और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री हैं मंच पर मौजूद थे, और वहाँ से महेंद्र सिंह सिसोदिया के द्वारा शुरुआत में यह कहा गया कि गुना की जनता से 2019 में गलती हुई और उसको लेकर हम माफ़ी मांगते हैं। यानी कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने केपी यादव चुनाव लड़े थे और केपी यादव ने 1.25 लाख वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। इसी परिप्रेक्ष्य में महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बयान दिया। उसके बाद जब केपी यादव से प्रतिक्रिया ली गई तो उसमें उन्होंने महेंद्र सिंह सिसोदिया को मूर्ख बताया और साथ ही साथ कहा कि भूल तो 2020 में हुई थी जब इन्हें बीजेपी में शामिल किया गया था। कुल मिलाकर वार पलटवार का दौर चल रहा था और ऐसे में अगले दिन हालांकि हमने देखा कि पार्टी के नेताओं ने, दोनों ही नेताओं को एक तरह से ये बात कही थी कि अब मीडिया में कोई किसी से कुछ बात नहीं करेगा। हाँ। और न तो फिर उसके बाद केपी यादव ने कुछ कहा। महेंद्र सिंह सिसोदिया से पूछा गया था तो उन्होंने ये बात कही थी कि देखिए, पार्टी परिवार है और इसमें हम आपस में बैठकर बातचीत करेंगे। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है, यानी दोनों ही नेता खामोश थे। पार्टी के भीतर की गुटबाजी को लेकर के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर पूरी तरीके से नजर बनाई है। शुभम, इसमें पूरी तरीके से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से नजर बनाई गई है गुटबाजी को लेकर के, जो जानकारी है या तस्वीरें और जिस तरीके के बयान दिया गया अब उसको लेकर के बेहद संजीदा, और आने वाले चुनावों से पहले पहले आप किसी भी तौर पर पार्टी को नुकसान ना पहुंचे, इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं, इसीलिए बुलाया भी गया है, उनको तलब किया गया है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं छवि पार्टी की खराब हो रही है और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम आना, कांग्रेस अगर आप देखें तो लगातार सरकार पर या बीजेपी पर हमलावर हैं, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी घेर रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी को भी। तो ऐसे में इस तरह की बयानबाजी मीडिया के सामने, जनता के सामने ना हो, इसी को लेकर आज केपी यादव को भी बुलाया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की समझाइश भी दी जा रही होगी कि इस तरह से अपने ही पार्टी के नेता को या मंत्री को मूर्ख ना कहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुभम इस पर जानकारी देने के लिए। तो सांसद केपी यादव को तलब कर लिया गया है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष